वेलकम टू आवर चैनल वी मेक जीनियस। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके बीच में फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा वीडियो है वह भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल निर्माणकर्ता और उसके वर्ष से रिलेटेड है। इस टाइप के क्वेश्चन हमें चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे NTPC हो, चाहे UP SSC पेट हो, किसी भी तरह के एग्जाम से हमें एक क्वेश्चन देखने को मिले जाते हैं। तो इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हमने लगभग 20 पॉइंट को दिखाया है। इस 20 पॉइंट के साथ ही साथ आप ये मान के चलिए कि लगभग 40 प्रश्नों का संग्रह है। जैसे कि हम आपको बता दें कि जैसे मीनार का निर्माण किसने करवाया था, आंसर है वो है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इस पॉइंट में आप देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है, तो उसका जवाब हो गया हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। और यहाँ एक पॉइंट और बनता है कि जैसे कुतुब मीनार का निर्माण किस वर्ष हुआ था, ठीक है, यहाँ पे दो प्रश्न बन रहे हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कुतुब मीनार का निर्माण जो है वह किस वर्ष हुआ था, तो 1193 ईस्वी में। तो इस तरह से यहाँ पे जो बोर्ड पे 20 पॉइंट्स दिखाए गए हैं वो लगभग 40 प्रश्नों का संग्रह है। इसे आप बहुत ही ध्यान से देखें, यह आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत समय ना खराब करते हुए आइए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ, जो कि रिलेटेड है हमारा भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल निर्माणकर्ता और वह किस वर्ष में निर्माण कराए गए हैं। तो इस पूरे वीडियो का जो हमारा पहला पॉइंट है वह है हमारा अजंता की गुफा, ठीक है। अजंता की गुफा का निर्माण किसने करवाया था, तो वह है गुप्त शासकों द्वारा करवाया गया था। इसे आप ध्यान रखिएगा कि अजंता की गुफा का निर्माण गुप्त शासकों द्वारा हुआ था और वह किस वर्ष हुआ था, तो उसका जवाब है हमारा 200 ईसा पूर्व में, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा कि 200 ईसा पूर्व है, ना कि यह ईस्वी है, ठीक है। इसे हम फिर से एक बार दोहरा दे रहे हैं कि अजंता की गुफा जो है वह गुप्त शासकों द्वारा इसका निर्माण हुआ था और यह किस वर्ष हुआ था, किस समय में हुआ था, तो 200 ईसा पूर्व में, ठीक है। इसके बाद इस वीडियो के दूसरे पॉइंट की ओर हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा एलोरा की गुफा, ठीक है। अजंता और एलोरा, ये अधिकतर दोनों नाम साथ में सुनने को मिलते हैं, अजंता की गुफा या एलोरा की गुफा या अजंता एलोरा, इस तरह के नाम हमें साथ में सुनाई देते हैं। तो इस दोनों पॉइंट्स के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि अजंता की गुफा जो है वह गुप्त शासकों द्वारा इसका निर्माण कराया गया है और यह कब कराया गया है, 200 ईसा पूर्व में, और एलोरा की जो गुफा है वह राष्ट्रकूटों द्वारा निर्माण कराया गया है। एलोरा की जो गुफाएं हैं उसका निर्माण जो है राष्ट्रकूटों द्वारा निर्माण कराया गया है और यह कब हुआ था, तो 450 से 650 ईस्वी के मध्य हुआ था। इसे आप ध्यान रखिएगा, अजंता की जो गुफाएं हैं उसका निर्माण हमारा 200 ईसा पूर्व में हुआ था और एलोरा की जो गुफाएं हैं वह 450 से 650 ईस्वी के बीच में हुआ था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह कांचीपुरम का मंदिर, ठीक है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह कांचीपुरम का मंदिर, यह कब निर्माण हुआ था, इसका जवाब है 6वीं सदी में, ठीक है। कांचीपुरम का जो मंदिर है वह 6वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था और इसके निर्माणकर्ता कौन थे, तो पल्लव राजा। इसे आप ध्यान रखिएगा कि कांचीपुरम का मंदिर का निर्माण पल्लव राजाओं द्वारा हुआ था और यह 6वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है, रेलवे के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस कई बार देखने को मिले हैं। तो खजुराहो मंदिर जो है वह किस वर्ष इसका निर्माण हुआ था, इसका जवाब है हमारा 950 से 1050 ईस्वी के बीच में। से आप ध्यान रखिएगा कि खजुराहो के मंदिर जो है वह 950 से 1050 ईस्वी के मध्य में इसका निर्माण हुआ था और यह किसके द्वारा निर्माण कराया गया, तो चंदेल राजाओं के द्वारा, ठीक है। खजुराहो का मंदिर जो है वह चंदेल राजाओं के द्वारा इनका निर्माण किया गया था और वह कब हुआ था, तो 950 से 1050 ईस्वी के मध्य में, ठीक है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण कब हुआ था, कुतुब मीनार का निर्माण या किसके द्वारा कराया गया था, तो वह है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसका निर्माण कब हुआ था, 1193 ईस्वी में। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि कुतुब मीनार का निर्माण 1193 ईस्वी में करवाया गया था और इसके निर्माणकर्ता कौन है, तो वह है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने और कब करवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा का जो निर्माण हुआ था यह भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। इसे आप ध्यान रखिएगा कि 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था, कब करवाया गया था, 1199 ईस्वी में, ठीक है। आप सन को ध्यान से अच्छी तरह से सन को आप याद रखिए, क्योंकि सन में अधिकतर कन्फ्यूजन्स होते हैं, तो इसे आप फिर से एक बार सुन लीजिए, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था, यह कब करवाया गया था, 1199 ईस्वी में। इसके बाद हम वीडियो के अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है कोणार्क मंदिर, ठीक है। कोणार्क मंदिर का निर्माण कब करवाया गया था, कोणार्क मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया था। कोणार्क मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में करवाया गया था और इसके निर्माणकर्ता कौन थे, तो नरसिंह देव प्रथम। इसे आप ध्यान रखिएगा कि कोणार्क
मंदिर का निर्माण नरसिंह दो प्रथम के द्वारा करवाया गया था, और यह कब करवाया गया था, 13वीं सदी में। ठीक है, इसके बाद इस वीडियो के हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि रिलेटेड है हौज खास, जिसे हम कहते हैं हौज खास। हौज खास का निर्माण किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। आप ध्यान रखिएगा कि जो वीडियो का 8वां पॉइंट है हौज खास का निर्माण किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कब करवाया था, जो 1305 ईस्वी में। आप ध्यान रखिएगा कि हौज खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, और इसका निर्माण वर्ष जो है वह है 1305 ईस्वी में। इसके बाद हम वीडियो के अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि 9वां पॉइंट है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, और यह किस वर्ष हुआ था, इसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जानते रहे कि विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, और इसका निर्माण वर्ष है 1458 ईस्वी से 68 ईस्वी में। लगभग 10 वर्षों तक इसका कार्यकाल होता है निर्माण होने में। इसे आप ध्यान रखिएगा कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने, और वह किस वर्ष के बीच में हुआ था, तो 1458 से 68 ईस्वी के मध्य में इसका निर्माण हुआ था। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, आगरा। आगरा फोर्ट, जिसे आगरा का किला कहते हैं, जो बहुत ही हमारे भारतीय धरोहर की दृष्टि से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से दोनों ही एंगल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आगरा जो फोर्ट है वह किसने निर्माण करवाया था, तो यह है अकबर के द्वारा। आगरा फोर्ट अकबर के द्वारा निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था, तो 1566 ईस्वी में। ठीक है, आगरा फोर्ट जो है, आगरे का जो किला है, इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था, 1566 ईस्वी में। इसके बाद हम वीडियो के अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा फतेहपुर सीकरी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब करवाया गया था, तो यह है हमारा अकबर के द्वारा ही इसका भी निर्माण करवाया गया था, और किस वर्ष करवाया गया था, तो 1571 ईस्वी में। इसे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो चीजें अकबर के द्वारा निर्माण करवाई गई है, एक आगरा फोर्ट जो है अकबर के द्वारा निर्माण करवाया गया है 1566 ईस्वी में, और साथ ही साथ फतेहपुर सीकरी का भी निर्माण अकबर के द्वारा हुआ है 1571 ईस्वी में। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, चार मीनार का निर्माण कब और किसके द्वारा करवाया गया है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार का निर्माण करवाया गया था, और यह 1591 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि चार मीनार का निर्माण जो है कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था, यह 1591 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है निषाद बाग। इसका निर्माण हमारा आसिफ अली ने करवाया था। ठीक है, निषाद बाग का निर्माण जो है आसिफ अली ने करवाया था। कब करवाया था, 1633 ईस्वी में। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, दीवाने खास। ठीक है, दीवाने खास का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। इसे आप ध्यान रखिएगा कि दीवाने खास का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, और कब करवाया था, 1637 ईस्वी में। इसे आप ध्यान रखिएगा, दीवाने खास भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, दीवाने खास शाहजहां ने करवाया था, और 1637 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो भारतीय धरोहर की दृष्टि से और विश्व विरासत की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताजमहल। ताजमहल का निर्माण कब और किसके द्वारा करवाया गया था, तो यह ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, और किस वर्ष करवाया गया था, तो यह 1652 ईस्वी में बनकर पूरी तरह से तैयार हुआ था। इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, इसका जो निर्माण वर्ष था वह 1630 से 52 ईस्वी था। इसके बाद इस वीडियो के हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था, और यह कब हुआ था, तो 1644 ईस्वी में। इसके बाद इस वीडियो के हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, मोती मस्जिद। मोती मस्जिद का निर्माण कब हुआ था और किसके द्वारा हुआ था, तो मोती मस्जिद का भी निर्माण शाहजहां के ही द्वारा करवाया गया था, और यह 1646 से 1653 ईस्वी के बीच में बनके तैयार हुआ था। ठीक है, मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा 1646 से 1653 ईस्वी, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, लाल किला। ठीक है, लाल किले का भी निर्माण शाहजहां के ही द्वारा करवाया गया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। शाहजहां के द्वारा देखिए यहाँ पे 5 चीजों का निर्माण करवाया गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे आप जानते रहिए। यहाँ पे पहला पॉइंट है दीवाने खास। दीवाने खास का निर्माण शाहजहां ने करवाया है। कब करवाया है, 1637 ईस्वी में। इसके बाद ताजमहल का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया है, ये 1630 से 1652 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जामा मस्जिद जो है इसका निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया है 1644 ईस्वी में। इसके बाद मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया है 1646 से 1653 ईस्वी के मध्य में। लाल किला का निर्माण शाहजहां के ही द्वारा करवाया गया है 1648 ईस्वी में। इसके बाद हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं,
फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज का निर्माण किसने करवाया था? जो फोर्ट विलियम कॉलेज है यह भी एग्जाम्स में एक दो बार पूछा गया है, इसी भी आप जानते रहिए। फोर्ट विलियम कॉलेज का निर्माण हमारा लॉर्ड वेलेजली के द्वारा करवाया गया है, और कब करवाया गया है? 1800 ईस्वी में। इसे आप ध्यान रखिएगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी, किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेजली द्वारा। और इसी के साथ हम वीडियो के सबसे अंतिम पॉइंट पर पहुंचते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हवा महल। हवा महल जो है भारतीय राज्यों में राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है हवा महल। इसका निर्माण कब और किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण जो है महाराजा सवाई प्रताप सिंह, ठीक है, महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण 1799 ईस्वी में करवाया गया था। तो उम्मीद है कि यह पूरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि इस पूरे वीडियो में हमने 20 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आपको बताया है, जो किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, हम चाहते तो इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा सकते थे, लेकिन पीडीएफ का 70% या 75% रिव्यू हम आपको बता दें कि पीडीएफ सिर्फ स्टूडेंट डाउनलोड करके रख लेते हैं और फिर दोबारा वो खोल के देखते नहीं है। और लेकिन ये वीडियो है जिसे आप एक या दो बार देखेंगे तो आपको पूरा ये 200 पॉइंट आपके माइंड में पूरी तरह से सेट हो जाएगा। तो इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलेंगे फिर से आपसे एक नए वीडियो में नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।